नेता नसुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि पहले मेरे लिए इस्लाम है और बाद में भारत है, मैं इसके द्वार मैं भारत देश के लिए जिस देश में रहता हूँ मैं उसके लिए वफादार नहीं हूँ। ऐसा क्यों? गलत बोला है। हाँ, नहीं, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बोला है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देश के ये कहते हैं कि जो CAA आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, वो मुसलमानों के विरुद्ध है। आपको लगता है कि विरुद्ध है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब एक है, खून सबका लाल है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मोदी सरकार जो भी फैसले लाती है वो मुसलमानों को टारगेट करके लाती है, आपको क्या लगता है जो तीन तलाक की समस्या को हल किया है मोदी सरकार ने, उसे आप खुश हो या नहीं? जो हर थोड़ी थोड़ी बात पे लड़कियों को तलाक दिया जाता था। नहीं, ये गलत बात है, तलाक नहीं देना चाहिए। खुश है आप? तीन तलाक जो है उसे खुश है ना? बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि हम इस देश के प्रति वफादार नहीं है, वफादार कुत्ते होते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, कुत्ते नहीं, सब इंसान ही है, इसमें कोई कुत्ता नहीं। जिस देश में रह रहे हो वो ये कहते हैं कि हम इसके वफादार ही नहीं है, इस तरह का कैसे बयान? ये जो बोलता है वो गद्दार है, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्या बात है? और जो कांग्रेस हमेशा संविधान के लिए बातें करती रहती है, रोडों पे निकल जाती है CAA के लिए प्रोटेस्ट करने, और जब उन्हीं के पार्टी के नेता इतने विवादित बयान देते तो उन्हें निकालती क्यों नहीं है? पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं, उनको तो निकाल देना चाहिए। आपको बुरी बात बताएं? ये जितने भी देश में जितने भी पब्लिक है, हिंदू है, मुस्लिम, सिख ईसाई, सब मिल को रहना चाहिए। अब ये मोदी जी हैं, अभी इधर से उधर लड़ाई हो रही है, ये गलत बात है, खून खराब है, ऐसा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कौन करवा रहा? ये मोदी जी करवा रहे हैं। आपने अभी कहा कि जो तीन तलाक दिया मोदी जी की तरफ से जो फैसला है वो सही है, ये सारी चीजें, और अब आप कह रहे हो कि ये मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी कैसे करवा रहे हैं? कैसे करवा रहे हैं मोदी जी? नहीं, आप मोदी जी को समर्थन करती हो या नहीं? हाँ, कर नसुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कांग्रेस के नेता कि हम देश के वफादार नहीं है क्योंकि देश के वफादार कुत्ते होते हैं। और हम साहब ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि संसद में जो बिल फाड़ा था उन्होंने, ये मर्यादा के खिलाफ है, ये मर्यादा के खिलाफ है। संसद में उन्होंने सबके सामने बिल फाड़ दिया, उसकी अभी तक उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे भारत में, अगर देखा जाए अधिकतर राज्यों में BJP की सरकार है, लेकिन सारी पार्टियां एकजुट होकर क्या कर रही हैं? BJP को कैसे भी करके हटाने की कोशिश कर रही हैं। इससे साफ सवे जाहिर होता है कि सभी पार्टियाँ का एक उद्देश्य है कि BJP को हटाया जाए। BJP को के लिए, जैसे कि कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि हम वफादार नहीं है, आप कुत्ते वफादार होते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सीधे ये कहूंगा कि जो अध्यक्ष है पार्टी का, वो तुरंत ही उनको निलंबित करे, बर्खास्त कर दे। ऐसे लोगों को पार्टी में रहने की बिल्कुल अनुमति नहीं देनी ही नहीं चाहिए। सर, हमेशा कांग्रेस के लीडर्स हमेशा सड़कों में निकल जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, CAA को बोलते हैं कि संविधान का विरोध कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए 5 जनवरी से BJP भी समर्थन रैली निकालेगी और हम सब उसके सपोर्ट में है। वो विरोध करेंगे तो हम समर्थन के लिए आगे हैं। करिए विरोध, हम समर्थन में हैं। विपिन रावत को CDS बनाया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि सरकार ने सही फैसला नहीं लिया। मनीष तिवारी, बिल्कुल सही फैसला लिया है, लाल किले से ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम तीनों आर्मी के एक चीफ बनाएंगे, तो अब वो एक एप्लीकेबल हो गया, जब रिटायर हुए वो CDS का पद संभालेंगे, कमांडर। और उसे इससे पहले कांग्रेस के एक और नेता का बयान आया था कि बर्खास्त कर देना चाहिए विपिन रावत को। क्यों बर्खास्त करना चाहिए? वो देश प्रेम की बातें बोल रहे हैं, इसलिए बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये सारे इनके कांग्रेस के नेता देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, CAA के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट निकाल के कुछ भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्यों नहीं निकाल देना चाहिए? दिग्विजय सिंह हमेशा उलट सलट बयान देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग सांप हैं। सांप के बारे में आपको बताता हूँ, सांप अपना अंडा खुद खा जाती है, मतलब अपना प्रजनन नहीं बढ़ने देते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग ये मुसलमान को ही निगल जाएंगे, क्योंकि सांप का काम ही वही है कि अपना अंडा खुद खा जाओ। ये ऐसे भाषण दे के हिंदुस्तान क्या है, ये दुनिया के सारे मुसलमान को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की कल एक वीडियो आई थी कि वो आधी रात को मंत्रोच्चारण कर रही है। आप इसके बारे में जानिए असलियत क्या है। डैन का नाम आपने सुना होगा, डैन क्या है, आधी रात को
उल्टा सीधा मंत्र उच्चारण करके डायन बनती है, सीखती है। उनका उसूल क्या है डायन का, पहले अपने घर में आग लगाती है सीखने के लिए, उसके बाद रिलेटिव के घर में आग लगाती है। तो ये सोनिया गांधी क्या करेगी, डायन जब सीख जाएगी उल्टा सीधा मंत्र उच्चारण करके, तो ये सबसे पहले कांग्रेस को ले डूबेगी, उसके बाद सहयोगियों को ले डूबेगी। तब तक तो इनका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो ताकतवर हो जाएगा, इनके पास कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी मुस्लिम हो, इन जैसे लोगों से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों से, ये धर्म के ठेकेदारों से इनकी बातों के अंदर नहीं आना चाहिए, इनको इनसे बच के रहना चाहिए। सेना प्रमुख के लिए बोलते हैं विपिन रावत, के लिए कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों बर्खास्त कर देना चाहिए, एक बात बताइए आप, जो देश हित की बात करें उसको आप देश से निकालने की बात करते हैं, लेकिन जो देश के लिए बोलता है उसको आप जेल में डालने की बात करते हैं। ये विरोधी हैं, पत्थरबाज हैं, ये कहाँ से आए, हमारे बच्चे हैं, ये सभी हैं। इनको सिर्फ सिखलाया गया है, पढ़ा दिया गया है कि क्या है NRC का फुल फॉर्म, इनमें से कितने लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता होगा NRC क्या है, CAA क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ अ फुल फॉर्म CAA। NRC क्या है मेरे को भी नहीं पता शायद, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, देन आपने बताया ठीक है। अब इनमें से कितना पता है कि किसको क्या पता है देश के लिए, अब इन पर कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस पे एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो कोई भी चीज़ उठ गया कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने गलत कर दिया, अगर मोदी जी ने गलत किया है तो इतनी जो आम जनता है, आप जिनसे सवाल पूछती हैं, रोज़ सवाल पूछती हैं, इनमें से कितने लोग मोदी मोदी के नारे लगाते होंगे, जय भारत माता की जय बोलते होंगे, इनको सब चीज़ों से तकलीफ है, हिंदुत्व आ जाता है सिर्फ। क्या हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? पाकिस्तान में जो हिंदू थे, कश्मीर से जो बगाए कश्मीरी पंडित थे, तब इनको ध्यान नहीं आया कितने पंडित निकाले गए, मुस्लिम करके सिर्फ उकसाना और अपनी पावर के लिए जनरेट करना। और वो इस तरह का बयान है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि हम देश के वफादार नहीं है, देश के वफादार नहीं है हम, क्योंकि वफादार तो कुत्ते होते हैं। नहीं तो वफादार नहीं है वो, नसीरुद्दीन सिद्दीकी वफादार नहीं है, कांग्रेस का एक भी मैं पर्टिकुलर आदमी मेरे ख्याल से वफादार नहीं है, क्योंकि अगर जो देश का वफादार कुत्ता भी अगर कह रहा है तो हमें बहुत गर्व है, कुत्ता कह रहा है ना, हमें कह रहा है भाई, एक कुत्ते को हम सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं कि देश की वफादारी तो कर रहा है, एक सैनिक को भी आप कुत्ता कह रहे हो इस तरह से, जो जवान खड़े हुए हैं आपकी सुरक्षा में उनको भी आप कुत्ता कह रहे हो, तो कोई नहीं है, हर जहाँ पे एक आम आदमी एक कुत्ता है भाई। फिर से उन्होंने CAA को लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा अगर कोई भी इस्लाम के विरुद्ध कोई एक्ट आता है, कानून आता है, तो हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए इस्लाम है और बाद में भारत देश है। कौन सी इस्लामिक कंट्री एक बात बता दिए जिसमें ट्रिपल तलाक बैन नहीं हो, ठीक है, ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इस्लामिक, कौन सा शरिया कानून चल रहा है यहाँ पे, या इस्लामिक कंट्री यहाँ पे घोषित कर दी गई है, ये सर्वसम्मति का देश है, सभी भाईचारे का देश है, जिसको हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ये सभी चीज़ों का देश है एक मिला के, तो इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना मैम। सेना प्रमुख विपिन रावत को CDS बनाया जाता है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनाया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि सरकार ने सही फैसला नहीं लिया इन्हें CDF बना के। तो किसको बनाना चाहिए आपके ख्याल से, किसको बनाना चाहिए, मनीष तिवारी को बनाना चाहिए या राहुल गांधी को बनाना चाहिए, उसको बना देते बहुत अच्छे करते, वो तो पड़ोसियों को बुला लेता है अंदर ही, किसको बनाना चाहिए, जो कैपेबल आदमी है उसी को बनाया गया है, जो देश जानता है सुरक्षा के हित में मोदी जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस देश के साथ। सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कांग्रेस के नेता वो इसी बयान को लेकर बोलते हैं कि हम वफादार नहीं है, इस देश के कुत्ते वफादार होते हैं। देखिए मेरे हिसाब से उन्होंने उनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, और नसीरुद्दीन सिद्दीकी जो हैं उनकी हैसियत कुत्ते के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है और वह कुत्ते के लायक भी नहीं है, क्योंकि जो जिस देश में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है, यहीं वो बड़े पले बड़े हुए, तो ये और उनकी वो मजबूरी है। कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, एक लोकतंत्र देश में विरोध करना बहुत अच्छी बात है, बट विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप देश का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश का विरोध करते, आप पार्टी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते, आप अगर देश का विरोध करने लगते हैं तब वहाँ पर आप गलत हो जाते हैं। रही बात CAA की, CAA में भी मैं नहीं कहता 90% मुसलमान ठीक हैं, 10% मुसलमान ऐसे हैं जो उनको बरगलाते हैं,
उनको पता नहीं होता है और वो उनको जाकर के उनको बरगलाते हैं। सीए में कहा जा रहा है, जिसे मैंने कई मुस्लिम से पूछा, उन्होंने कहा भैया हम लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा कहाँ सीए में कहा गया है कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? कहते हैं नहीं, हमारे मोहल्ले के नेता ने कहा कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीए में कहा है कि देश के, यहाँ मोदी जी ने, शाह जी ने, बाकी सभी ने कहा है कि यहाँ का जितना मुसलमान रह रहा है वो 100% यहीं रहेगा, कोई बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन ये बार बार मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। कई सदियों के बाद मोदी जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर इस देश को मिला है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे देश के भाग्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि मोदी जैसा लीडर मिला है। और हम सभी से कहेंगे, हिंदू मुस्लिम से ईसाई सभी से कहेंगे, और फिर मैं कहता हूँ कि 90% मुसलमान यहाँ का सही है, केवल 10% मुसलमान उन 90% मुसलमानों को भड़काते हैं। मेरे बहुत सारे परिचित हैं मुसलमान, वो उनको बताते ही नहीं कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है। ठीक है, कांग्रेस के नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी ये भी भड़काने का काम करते हैं, ये बोलते हैं कि पहले हमारे लिए इस्लाम है और बाद में भारत देश है, अगर कोई भी भारत सरकार ऐसा कानून लाती है जो मुसलमानों के खिलाफ होगा हम उसे नहीं मानेंगे, हम सीए के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मतलब सीए में कहां नाम लिखा है? सीए में कहीं, यही तो मैंने अभी बताया कि सीए में कहीं नहीं है। और बार बार ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम हैं वो सब के सब सुरक्षित हैं, सब रहेंगे, सब नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है। लेकिन ये जो कुछ 5-10% लोग हैं और वो मुस्लिम ही नहीं हैं, कुछ हिंदू भाई भी हैं जो कांग्रेस में हैं, कम्युनिस्ट में हैं, ये अपनी राजनीति के लिए उन 90% जो मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है सीए में, ऐसा है, लेकिन ऐसा सीए में कहीं नहीं है। कि जो ये कह रहे हैं कि पहले हमारा इस्लाम है और भारत में भारत है, देखिए अगर भारत में रहना है तो एक देश एक विधान एक संविधान होगा, एक देश में दो संविधान दो विधान नहीं हो सकता है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है और किसी के लिए भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको यहाँ पे रहना है तो आपको इस संविधान के अंदर ही रहना पड़ेगा, उसको संविधान को मानना पड़ेगा। सेना प्रमुख को CDS बनाया गया, एक इतना ऊंचा ओहदा दिया गया उन्हें, उसमें भी कांग्रेस के नेता तिवारी कहते हैं, मनीष तिवारी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत सरकार ने ये सही फैसला नहीं लिया। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अगर वो इसी तरह बोलती रही तो 10 साल बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि एक थी कांग्रेस, क्योंकि मैंने फिर कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक पार्टी की, एक सरकार का विरोध करते करते जब आप देश का विरोध करने लगते हैं तब आप देशद्रोही कहलाते हैं। ठीक है, और जो CDS है, मनीष तिवारी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि CDS की जो पोस्ट बनाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेवकूफ़ नहीं है लेकिन वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक क्या था कि कभी भी हमारे यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह के वार छिड़ता तो हमारी तीनों जो सेनाएं हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं थी, बिकॉज कि तीनों का लेवल सेम था तो तीनों एक दूसरे के अंडर में नहीं थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती थी। अब एक CDS के अपॉइंट हो जाने से वो तीनों अपनी इन्फॉर्मेशन उस CDS को देंगे और वो कोऑर्डिनेट करेगा, तीनों के ऊपर एक लीडर बैठ गया है। तो अभी कभी भी हमारे ऊपर कहीं अटैक होता है किसी भी कंट्री से तो वो जो CDS बैठा है वो तीनों कंट्रीज को कोऑर्डिनेट, तीनों आर्मी को कोऑर्डिनेट करके एक बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, पहले सर इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के विवादित बयान आए थे, उन्होंने विपिन रावत को लेकर कहा था, कांग्रेस के किसी विधायक ने कहा था कि बर्खास्त कर देना चाहिए विपिन रावत को। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि वो मोदी सरकार का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं, वो सेना का विरोध करने लगते हैं, वो आर्मी का विरोध करने लगते हैं, वो CRPF का विरोध करने लगते हैं, जो कि जो राजनीतिक पार्टियां नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं मैं कहता हूँ हिंदुओं का क्या, वो मुसलमानों का भी सत्यानाश कर रहे हैं। 90% मुसलमान बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का, 90% मुसलमान अच्छा है, कुछ 5-10% जो लोग हैं वो हाँ सारे अच्छे नहीं, कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं। ठीक है, वो बरगला रहे हैं। सीए में कहीं भी नहीं है कि मुस्लिम को नहीं। आप एक मिनट, NRC क्या है? NRC क्या है? आपको NRC नहीं मालूम है? NRC तो भाई ना, लेकिन अमित शाह ने इस बात की जिक्र की है। हाँ नहीं नहीं, मैंने सुना, मैं मान रहा हूँ। नहीं नहीं, NRC क्या है? 70 से पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट।
तो सिर्फ अकेला सीएए हमारे लिए खतरनाक नहीं है, सीएए प्लस एनआरसी हमारे लिए संविधान में प्रोटेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो 6 साल के कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुंह ढक के प्रोटेस्ट करते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको अपने देश के सेनाध्यक्ष पे भरोसा नहीं है, आपको अपने चुने गए सरकार पे भरोसा नहीं है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? कैसी प्रोटेस्ट करिए, आपका यह अधिकार है, आपका यह अधिकार है, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट का मीनिंगफुल होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक किसी में इतनी दम नहीं है कि भारत की संस्कृति को हिला सके। सुने 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 नहीं 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 आरएसएस के नहीं थे। आज आज सुने सर, नसुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि हमारे लिए हम देश के वफादार नहीं है क्योंकि वफादार कुत्ते होते हैं। ऐसा है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं सब उनकी, तुम बोलो यार इसके बारे में। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि जामिया के लोग उसमें नहीं थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी पेपर में आया है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन के निकली है पीएफआई, और उसने सुनिए प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रही। नहीं तो अच्छा हैंडल तो ये जो लड़का बोल रहा है टोटली इररिलेवेंट बोल रहा है, कभी कुछ भी उठा, ये ऐसे ही मजे ले रहा है। इज नॉट सीरियस फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। दूसरी बार देखिए, जैसे ये कह रहा है एनआरसी क्यों लेके आए, अरे क्या दिक्कत है? आपने वर्ल्ड में कोई कंट्री देखी है जहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बन रहा है और किसी समुदाय के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? आपको किस बात का डर है? आप क्या घुसपैठिए हो? अगर नहीं हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो सीए हो एनआरसी हो, ये जरूरी है। देश का गंद यानी कि जो अवैध घुसपैठिए है, हम उनको बिल्कुल निकालेंगे, एक एक को निकालेंगे। देश ये गरीब देश है, इसके पास संसाधनों की कमी है। आप देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, जमीन की कमी है। बेरोजगारी तभी तो कमी होगी, बेरोजगारी तभी कमी होगी। मैं जो बातें पूछ रही हूँ, मैं आपसे नसुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि हम पहले वफादार, नसुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि हम देश के वफादार नहीं है, वफादार होते हैं कुत्ते। तो क्या हो गया कुत्ता? अगर अगर आपको याद हो, राजीव गांधी ने वीपी सिंह को गाली दी थी, जब वीपी सिंह बार बार कह रहे थे कि बोफर्स में राजीव गांधी सरकार ने कमीशन खाई है, रिश्वत खाई है, तो फिर एक इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने उनसे सवाल किया था कि इसको आपको क्या कहना है वीपी सिंह के सवाल पर, तो उन्होंने कहा था कि मैं भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता। मतलब वीपी सिंह को कुत्ता कहा था राजीव गांधी ने उस टाइम। तब उसने कहा था कि ठीक है मैं कुत्ता हूँ लेकिन देश का वफादार हूँ, इसमें क्या बुराई है कुत्ता होने में, देश का वफादार कुत्ता होने में? बट आप शुक्र करिए राजीव गांधी साहब, ये जो वफादार कुत्ता है सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं, नहीं तो आपको जान के लाले पड़ जाते। तो क्या गलती है अगर वफादार कुत्ता है? किसने ऐसा बोला? मैंने ये नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी की नहीं मैंने स्टेटमेंट सुनी है, बट मैं कांग्रेस के नेताओं से बेहद निराश हूँ। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये हमेशा कहूँगा, अरे वो अगर निकलेंगे इस देश से जो अवैध नागरिक हैं यहाँ के, उनसे पहले मैं निकलने को तैयार हूँ। अरे वो हमारे भाई हैं, सीधी सी बात है। बस बात हो रही है सिर्फ अवैध घुसपैठियों की, और उसमें भी सिर्फ मुस्लिम्स को इसलिए बोला जा रहा है कि निकाला जाएगा क्योंकि जिन देशों से वो आए हैं वो मुस्लिम बहुल है, इसका मतलब वो वहाँ प्रताड़ित नहीं है, वो वहाँ प्रताड़क है। तो किसी को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जब मोदी गवर्नमेंट ने बार बार ये कह दिया है, अमित शाह और मोदी जी कह रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या है मुझे ये समझ नहीं आती। और फिर जामिया मिलिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जेएनयू के, वो क्या कोई छोटे बच्चे हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पर्सन हैं, उन्हें पता है क्या है क्या। वो बिना बात के एक जो है उन्हें शायद पता नहीं, कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को चिढ़ मच रही है कि हिंदुओं को, प्रताड़ित हिंदुओं को भी यहाँ क्यों लाया जा रहा है। तो मेरा उनसे निवेदन है, देश में आग लगाना बंद करिए और इस देश को अच्छे से तरक्की करने दीजिए, संसाधनों को इस देश के केवल इस देश के वैध नागरिकों पर यूज होने दीजिए, चाहे वो फिर वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। ये नसुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि पहले हमारे लिए इस्लाम है और भारत में भारत देश है। नसुद्दीन शाह हमारे लिए कौन है? नसुद्दीन शाही सिद्दीकी। नसुद्दीन सिद्दीकी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए हमने अपने लिए सरकार चुन के भेजा है, और हम अपने सुप्रीम कोर्ट पे, अपने संविधान पे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट पे, अपने संविधान पे, अपने सेना पे पूरे तरीके से भरोसा करते हैं, और अपने गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं।
दूसरी चीज जो आज ये अवसरवादी जो नेता हैं, ये अवसरवादी जो अपनी इस राजनीतिक माहौल में अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे हैं, वो युवाओं को भड़का रहे हैं। आज एक भी विपक्ष का नेता, एक भी विपक्ष का नेता सामने आके ये नहीं बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का विनाश ना करे। जो बसें जलाई जा रही हैं ये उनके टैक्स के पैसा है, ये हमारा भी टैक्स है, इसमें सबका टैक्स, जिन्होंने जलाया है उनका भी टैक्स है। आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आपका प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ होना चाहिए, ये किसी लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, आप देश को गाली दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, कैसा कैसा प्रोटेस्ट हो रहा है केरल का राज्यपाल पे, वहाँ पे केरल का राज्यपाल पे उन्होंने कुर्सियाँ चला दी, इस किस तरीके का ये प्रोटेस्ट है। टॉलरेंट रह करके प्रोटेस्ट करिए ना, संविधान सब चीज का, संविधान सब चीज का सॉल्यूशन देता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जिस सरकार आपके हाथ में पावर है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं, आप उस सरकार को बदल दीजिएगा, उनको बता दीजिए दिल्ली में हमारी हुकूमत चलती है, जनता का हुकूमत चलती है, लेकिन आपके अंदर धैर्य है ही नहीं, आप बसें फूंकते हैं, आप बसें फूंकते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं। किसने आपको ये अधिकार दिया है अपने हाथों में हथियार उठाने का? पुलिस, आज आप बताइए, पुलिस को गालियां देते हैं, क्या पुलिस का कोई परिवार नहीं है? पुलिस की कोई, पुलिस का अपना परिवार नहीं है? पुलिस या पुलिस अपने घर से अपने माँ बाप के साथ, वो भी अपने माँ बाप से मिल के आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पुलिस को गाली दे रहे हैं, और ये जनता को बरगलाया जा रहा है। और कुछ ऐसे हमारे अंदर पार्टिकल्स हमारे देश के अंदर आ चुके हैं जो कि नफरत अराजकता का बीज बो रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से युवा को भटकाया जाए और इस प्रोटेस्ट को एक अलग डायरेक्शन में दिया जाए। संविधान को लेकर कांग्रेस के नेता सड़कों पे निकल जाते हैं कि संविधान तोड़ा जा रहा है, संविधान के विरुद्ध है, जब उनके खुद के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो वो बर्खास्त क्यों नहीं करते? मैडम जहाँ उनके बारात में बाराती है ही नहीं, वो चंद म्यूजिशियंस को लेकर के ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं, और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इनको, इन्हें कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, किसी एक आइडियोलॉजी पे अगर वो स्थित हो, क्योंकि उसके पास कोई भी एक विजन हो, किसी भी देश का सबसे बड़ा विकास में रोल होता है एक विपक्ष का। अब विपक्ष क्या है तो राहुल गांधी इक्वल्स टू विपक्ष, सब राहुल जी हैं, विपक्ष देश का मुद्दा कुछ मोद है ही नहीं, सब मुद्दा विपक्ष का है, राहुल जी पे डिपेंड करता है। अरे कैसे विपक्ष हैं आप? आपके पास ऐसा नेता होना चाहिए कि जो सरकार से क्वेश्चन मार्क कर सके। आपके पास बहुमत नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इस तरीके का धैर्य रखिए कि 5 साल के बाद आप फिर उस जनता के बीच में जाएंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के काम किया है, तो जनता आपको वोट देगी और फिर से आपको दिल्ली हुकूमत में पहुंचाएगी। थोड़ा धैर्य रख लीजिए। सेना प्रमुख विपिन रावत को सीडीएस बनाया जाता है, उसमें कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि सरकार ने सही फैसला नहीं लिया। सीडीएस देखिए, सीडीएस की थ्योरी ये लोग समझते ही नहीं है, सीडीएस की थ्योरी समझते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं जिनसे सीडीएस का फुल फॉर्म पूछ दीजिए तो उन्हें नहीं आएगा। वो सीडीएस के बारे में, सीडीएस की बात आज से नहीं हुई है, सीडीएस की बात अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से हो रही है, 2000 में जब हमें अपने सेना प्रमुखों के बात करने में, उनको एक जगह एकत्रित करने में जब हमें लेट हुआ था, और इसका भुगतान हम 2000 के समय में कारगिल के युद्ध में देख चुके हैं। कारगिल के बारे, वो देश के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है सेना पे बात करने का और सेना पे सवाल खड़ा करने का। पहले कांग्रेस की तरफ से एक और नेता का बयान आया था कि बर्खास्त कर देना चाहिए बिपिन रावत को। सर उनका अपना कहनाम है, उनको अपने संविधान में बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता सब कुछ देखती है। मैं यहाँ पे आकर आपके आमने सामने उंगली ऐसे करके बात कर रहा हूँ तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने अधिकारों को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरा अधिकार कहाँ आएगा। मेरा अधिकार हर 5 साल में यहाँ पे एक ब्लू ट्रिक के साथ आता है, और मैं उस एंगर से, उस गुस्से से अपने समाज को, अपनी सरकार को बताऊंगा। हर एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, और दे जिस चीज में, भैया उसके बारे में कभी डिबेट रख लेंगे, उस पर भी बोलेंगे।